So hey, what's up guys, welcome back to my channel Hyper Raja. Today we are playing again Mech Arena. And guys, आज का वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं होने वाला, because guys, आज हम करने वाले bot prank. अभी मजा आएगा ना वीडियो. Yes guys, and ये भाई third part होने वाला है हमारे bot prank का. So guys, ये वीडियो बहुत ज़्यादा interesting होने वाला है. So वीडियो को without skip के end तक देखते हैं ना. So without time wasting, let's watch intro and start the video. सो गाइज, अभी मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ कि इस प्रैंक में क्या होने वाला है. सो गाइज, पहले तो मैं अपना नेम चेंज करूंगा, किसी बॉट के नेम जैसा अपना नेम को चेंज कर दूंगा. एंड सेकंड गाइज, हम अपने सारे मैक्स को एकदम बॉट जैसा रखेंगे. ओके गाइज, सो अभी मुझे एक बॉट का नेम ढूंढने के लिए भाई बैटल में जाना पड़ेगा. एंड किसी बॉट का नेम गाइज ढूंढ के लाते. सो यहाँ पे भाई हमारा बैटल स्टार्ट हो रहा है. 2000 years later. सो गाइस, फाइनली हमारा बैटल स्टार्ट हो चुका है. एंड यहाँ पे चार बॉट बंदे आए हैं एंड एक असली बंदा आया है. तो इनसे हमको कोई मतलब नहीं गाइस, हमको एक ऐसा नाम चाहिए जो मतलब जिसको देख के रियल बंदों को लगे कि भाई हाँ ये एक बॉट प्लेयर है. तो अभी गाइस एक नाम ढूंढते, रुक जाओ. सो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे MR बोनेज ऐसा कुछ नाम है, द बेगर एंड बजल. सो गाइस, मेरे हिसाब से ना ये जो बजल नाम है ना, ये परफेक्ट रहेगा. ये देखो गाइस, यहाँ पे ये जो नाम है ना, ये TN जो भी है, ये मिस्टर बोनेज, ये भी असली नाम जैसा ही लग रहा है. लेकिन गाइस, ये जो बजल नाम है ना, देख रहे हो लास्ट के, वेट कहाँ गया, हाँ थर्ड नंबर पे जो है गाइस, ये नाम मेरे को परफेक्ट लग रहा है. तो मैंने भाई एक नाम चूज़ कर लिया है. अब मैं भाई फटाफट से ये बैटल लीव कर लेता हूँ. एंड गाइस, चल के भाई नेम चेंज कर दे. एंड आई नो यार, ये कुछ ज़्यादा ही क्रेजी हो रहा है, बट मेरे को अभी अपना नेम चेंज करना पड़ेगा. तो अभी गाइस मैं अपना नेम चेंज करता हूँ, बजल नाम रखना है अभी हमको. तो उस बंदे का नाम कुछ ऐसे था, स्मॉल लेटर में BU था एंड बिग लेटर में अपना था भाई ZZZ, फिर LE. ओके, सो गाइस यहाँ पे मैंने अपना नेम जो है वो चेंज कर दिया. अभी कंफर्म इधर कर देते. एंड गाइस, इधर भाई हमने अपना नेम तो चेंज कर दिया है. अब हमको अपने सारे मैक्स को रिमूव करना है. ओके गाइस, मैं फटाफट से भाई जितने भी मैक्स है ना, उन सबको रिमूव करता हूँ. भाई पैंथर को रिमूव करो, किल शॉट सबको रिमूव करना है. एंड सबको ना गाइस विथआउट मतलब डिफॉल्ट स्किन में एंड एकदम बॉट लुक जैसे अपना गन लेते हैं ना गाइस, वैसा रखना है. ओके, तो यहाँ पे मैंने सबको रिमूव कर दिया है. अभी गाइज देखो क्या करना है. अभी मुझे पहले लेना है भाई अपना रेडॉक्स. गाइज, आप में से बहुत सारे बंदों ने रेडॉक्स देखा होगा, डबल कार्बाइन वाला रेडॉक्स वाला बॉट रहता है वो भी. तो ये देखो गाइज, ये एक बॉट रहता है अपना ऐसा. एंड अब गाइज हम जैफर को ले लेते हैं. वेट, गार्डियन को रखे या जैफर को, पहले जैफर को ले लेते हैं. तो देखो गाइज, ये रहा भाई अपना जैफर. पहले रुक जाओ, इसकी स्किन एकदम डिफॉल्ट करने दो गाइज. तो डिफॉल्ट स्किन करते हैं, वेट. एंड यहाँ पे चल के, हाँ सो गाइज, चलो मैंने इसको डिफॉल्ट स्किन दे दिया है. एंड गाइज, मैं इसके ऊपर भाई लॉन्ग आर्म, डबल लॉन्ग आर्म यूज़ करने वाला हूँ, 8 और 10 वाला. अब गाइज स्किल शॉट ले देते हैं. एंड देखो गाइज, स्किल शॉट में बॉट लोग कौन सा कॉम्बो यूज़ करते हैं, कार्बाइन 10 एंड कार्बाइन 8 यूज़ करते हैं. मेरे पास कार्बाइन 8 जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझको भाई वो जो नॉर्मल वाला कॉम्बो है ना, वो यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है अपना ये वाला पल्स कैनन 8. ओके, तो ये भाई किल शॉट बन चुका है बॉट. एंड अब बारी है गाइज अपने एरेस की. पैंथर यूज़ नहीं करूँगा गाइज, मैं एरेस यूज़ करने वाला हूँ. ओके, तो एरेस ज़्यादातर एरेस आजकल तो भाई अपना वो चल रहा है डिस लॉन्चर, बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है. तो हम अपना 37 बीम वाला कॉम्बो पुराने वाला यूज़ करेंगे. तो इसको भी डिफॉल्ट स्किन मैंने कर दिया है गाइज. एंड अब इसके ऊपर भाई लगाते हैं 37 बीम प्लस भाई अपना थर्मल लेंस लगेगा. ये वाला लगाओ क्या, नहीं ये वाले से भाई असली प्लेयर जैसा लग रहा हूँ मेरे को एकदम, ये वाला सही रहेगा, थर्मल लेंस 4. ओके, सो गाइज एरेस भी अपना बॉट बन चुका है. अब भाई हमको एक और मैक गार्डियन को ले लेते हैं. एंड गार्डियन को एकदम भाई जो स्टार्टिंग के बॉट जैसे यूज़ करते हैं ना, डबल रॉकेट मोटर 8, वो यूज़ करेंगे अपने. तो कहाँ गया भाई, वेट ढूंढने दो मेरे को, ये रहा गाइस. सो चलो गाइस, अरे भाई ये क्या हो गया, रुक जाओ, ये बड़ा वाला नहीं यूज करना है. ओके, सो चलो गाइस, यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी टीम जो है वो बॉट बन चुकी है. अरे भाई, बॉट प्रैंक तू कर रहा है कि हम कर रहे हैं? तूने मेरे को ये कॉम्बो क्यों दिया है? हाँ बिट्टू, मेरे को भी ये कॉम्बो बिल्कुल भी पसंद नहीं. अभी के अभी इस कॉम्बो को चेंज कर, वरना फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ. अरे भाई, तुम दोनों का फिर से नाटक शुरू हो गया. बस ये वीडियो के लिए भाई सहलो यार थोड़ा सा, मैंने भी तो अपना नेम चेंज किया है, तुम लोग बस कॉम्बो में चिड़ जा रहे हो. ओके सो गाइस, अभी भाई अपनी पूरी की पूरी हैंगार जो है तैयार है. अभी चलते हैं गाइस बैटल में एंड ऐसा रिएक्ट करेंगे, मतलब एक्ट करेंगे कि हम लोग बॉट है. तो चलो गाइस चलते हैं बैटल की तरफ.
ओके सो चलो गाइस, यहाँ पे हमारा बैटल स्टार्ट हो चुका है एंड एक ही असली बंदा आया है जिसका नाम है डेविल। तो अब गाइस एकदम प्लान समझ लो, अब मेरे को पूरी तरह से ऐसे एक्ट करना है कि मैं एक बॉट हूँ। ओके तो मैंने किल शॉट लिया है, अभी मुझे जाके भाई पहले कैप्चर करना है। एंड बॉट लोग का भाई ये टिप्स एंड ट्रिक होता है कि उन लोग कैप्चर करते समय उनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से उन लोग गोल गोल घूमते हैं। गजब बेइज्जती है। तो यहाँ पे कैप्चर कर लिया, अब गाइस हमको सीधे सीधे अटैक कर देना है, ठीक है, सेंटर की तरफ बढ़ना है। यहाँ पे गाइस एक शैडो, इसके ऊपर अटैक कर दो सीधे सीधे। यहाँ पे किल मिल गया भाई हमको, अच्छी बात है। इधर पे एक और शैडो एंड इधर मेरे को भाई बहुत ज़्यादा डैमेज मिल चुका है एंड लिटरली गाइस यहाँ पे एक मैक मेरे ऊपर क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, नहीं क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, नहीं नहीं क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, करके दिखाइए, मैदान में आइए, यही बताइए। अटैक भी करने आ चुका एंड ये असली बंदा भाई यहाँ पे आ चुका था मेरे को मारने के लिए, बट हमको इस शैडो ने मारा। ओके कोई ना गाइस, अभी भी भाई बहुत सारे मैक बचे हुए हैं। तो अब गाइस बारी है रेडॉक्स की। तो ये देखो गाइस, ये है वो रियल बंदा एंड इसको मैंने यहाँ पे मार दिया। एंड देखो गाइस मैं पूरे बॉट की तरह ही खेल रहा हूँ, ये जो एरेस ऐसा वाला एरेस होता है ना गाइस, जो डबल कार्बाइन वाला रहता है, वो ऐसे ही खेलता है। अच्छा हमको सिखा रहा है। एंड अभी भाई इसके ऊपर भी अटैक करते हैं एंड गाइस एकदम खुल्लम खुल्ला चलते हैं। इधर सामने भाई एक जगरनट है, इसके ऊपर एबिलिटी यूज़ करना है। एंड गाइस एक और बात पता है बॉट लोग की, कि उनके सामने अगर कोई आता है ना तो उन लोग अटक जाते हैं भाई, उन लोग को मतलब जाने को रास्ता नहीं मिलता ना, तो जब तक आप उनको रास्ता नहीं दोगे वो उधर ही खड़े रहेंगे। ओके सो गाइस यहाँ पे बुलेट थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, इसीलिए मैं पता नहीं कैसे फायर कर रहा था। अब इस लैंसर को मारते हैं एंड गाइस यहाँ से भी हमको किल मिल चुका है एंड इधर भाई हमारा किलिंग स्प्री। अरे भाई यहाँ से एक चीता हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज है एंड ये लो भाई हमारा काम तमाम हो गया। बट गाइस हमने भाई रेडॉक्स से 5 किल कर लिए, लॉल। बाय द वे अभी हम जैफर लेते हैं एंड जैफर वाले बॉट के गाइस निशाने तो कतई खतरनाक होते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे हमारा रिवेंज कंप्लीट हो चुका है एंड गाइस किसी भी मैक का निशाना मिस हो या ना हो, जो जैफर वाले बॉट होते हैं ना गाइस, लॉन्ग आर्म वाले, उनके निशाने कभी मिस होते ही नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ। बट मेरे निशाने यहाँ पे मिस हो रहे हैं क्योंकि मैं 100% बॉट नहीं हूँ भाई, मैं बस प्रैंक कर रहा हूँ। अभी गाइस जो रियल बंदा है वो दिख नहीं रहा यार, उसके बिना मज़ा नहीं आएगा बाकियों के साथ, अगर ये सब तो वैसे भी बॉट ही है, उसी के साथ प्रैंक करें तो मज़ा आएगा। पता नहीं कहाँ गया, दिख नहीं रहा है मेरे को। एंड एक सेकेंड, आई थिंक वो बंदा ऑफलाइन जा चुका है गाइज, मेरे को दिख ही नहीं रहा है कहीं पे। बाय द वे हम इन्हीं लोगों को मार के काम चला लेते हैं। अरे भाई इन लोग तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया एंड ये लोग गाइज मेरा काम तमाम, फिर से मर गया मैं एंड ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, मेरे 3 मैक्स मर चुके हैं भाई, अभी सिर्फ 2 ही मैक्स बचे हुए। एरेस लेते भाई हम एकदम एरेस बॉट, एरेस वर्सेस यहाँ पे जैफर हो रहा है गाइज एकदम। गाइज रश करना है, कैंप नहीं करना है बिल्कुल भी, यहाँ पे मैंने रश कर दिया। यहाँ पे एक और एरेस है एंड पता नहीं मैं इस जैफर को मार भी पाऊंगा नहीं, ये मेरे को मार देगा मेरे को तो लग रहा है। एंड यहाँ पे गाइस एरिस मरते हुए, एरिस की भी बैंड बच चुकी है यहाँ पे पूरी तरह से, ये लो गाइस इसका भी काम तमाम हो गया। अब गाइस लास्ट मैक बचा है जो कि अपना गार्डियन, एंड ये मैक जो है ना गाइस ये पीछे से ही अटैक करता है एंड इसका अटैक करने का स्टाइल कैसा होता है पता है, अटैक करो एंड पीछे की तरफ भागो, ऐसे ही अटैक करता है भाई ये गार्डियन, लिटरली बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे गाइस मुझे नहीं लगता अब कुछ किल विल निकालने वाला है, आई थिंक अब भाई हम लोग बस ऐसे ही छोटे मोटे डैमेज दे पाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके ऊपर अटैक करते हैं गाइस, ओके अटैक करते हैं एंड पीछे भागते हैं। एंड गाइस देखो मैं प्लेडियम वालों के लिए इतना अच्छा वर्क कर रहा हूँ, मैं बॉट बन चुका हूँ उनके लिए, तो उन लोग को भाई मुझे पगार देना चाहिए यार मैं बॉट बन के प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ, मैं रियल बंदा नहीं हूँ, उनको मुझे पगार देना चाहिए, बट नहीं देंगे उन लोग, बहुत कंजूस है। यहाँ पे पीछे फिर से भागते हैं, ओके किसी को कुछ भी डैमेज वैमेज नहीं पड़ा होगा ऑब्वियसली भाई। एंड यहाँ पे गाइस खड़े रहते हैं कुछ, एंड एक सेकेंड यार ये जो गार्डियन रहता है ना ये पूरी तरह से रश कर देता है, मतलब ये जो डबल रॉकेट मोटर 8 वाला गार्डियन रहता है ना गाइस वो रश कर देता है, तो हम भी रश करिए, बट अभी नहीं, अभी कुछ ज़्यादा ही बंदे भाई, लास्ट मैक है मेरा, मैं आराम से मारा जाऊँ मुझे पता है। एंड अभी बस हम लोग गाइस ये रिलोड पे डालते हैं, ये सब करते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। एंड रुक जा भाई कितना डैमेज देगा, एंड इधर गाइस एक मैके फिर से पीछे की तरफ भागो अटैक करके, ओके सो चलो गाइस यहाँ पे भाई इधर 2-3-4 मैक्स बचे भाई, ओके तो रश कर देते गाइस, चलते हैं गाइस रश करते, जो होगा देखा जाएगा। ये देखो एक शैडो भागते भाई, सारे मैक्स कहाँ गायब हो गए यहाँ से। एंड गाइस यहाँ से मैं अटैक कर सकता हूँ ना, ट्राई करते हैं, चलो गाइस यहाँ से मैंने अटैक किया है एंड भाई डैमेज पड़ा है लिटरली, मेरे को नहीं लगा था इतना ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, लेकिन उसको 14,000 का डैमेज तो पड़ ही गया। अभी गाइज हम और रश करेंगे, यहाँ पे तो इसका काम तमाम हो गया। एंड गाइज देखो मेरा नाम भी ऐसा है ना
कि कोई भी देखेगा तो उसको 100% लगेगा बॉट ही है। एंड अभी मैं भाई फिर से नेम नहीं चेंज करने वाला हूँ, अभी कुछ दिनों तक यही बॉट नेम के साथ खेलने वाला हूँ। बाय द वे यहाँ पे देखो गाइज, ये बंदा यार ऑफलाइन चला गया, पूरा मज़ा इसने किरकिरा कर दिया लिटरली गाइज। इसको ऑनलाइन रहना था तब इसको पता चलता भाई कि बॉट्स भी बहुत ताकतवर होते हैं। ओके सो यहाँ पे गाइज हमने कैप्चर भी कर लिया एंड गाइज हम लोग ये बैटल हो चुके विक्ट्री। एंड भाई रेडॉक्स MVP हो गया, लॉल गाइज बॉट भी MVP होते। ओके सो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो। एंड आई नो यार जो रियल बंदा था वो ऑफलाइन चला गया जिसकी वजह से उतना कुछ खास मज़ा नहीं आया, बट गाइज यही था हमारे बॉट प्रैंक का थर्ड पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो एंड लाइक एम रखते हैं गाइज 2000 लाइक। एंड कॉमेंट बताना भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, बिकॉज हमारे चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलते रहेंगे। एंड अगर आपको बाकी के बॉट प्रैंक्स के पार्ट्स देखने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे वहां पे जरूर से फॉलो कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइज आज की सॉली वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, हैव अ ग्रेट डे।